आज हम देखते हैं शियासु बहुत कंफ्यूज थी लूशी को पसंद करने के बारे में। उसे ये तो नहीं पता था कि वो लूशी को पसंद करती थी या नहीं, पर उसे इतना ज़रूर पता था कि वो लूशी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। वो कैसी लग रही है दिखने में या फिर वो क्या खा रही है, क्या बोल रही है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लूशी के सामने। अगले दिन चेंग लिंग अपने काम के लिए दूसरे शहर निकल पड़ता है। फिर लूशी शियासु से बात करने के लिए यहाँ पे लेके आता है। लूशी समझता था कि उसके विदेश जाने के बारे में शियासु कभी मना नहीं करती। लूशी को लगता था अगर वो विदेश चला जाएगा तो उनके रिश्ते की कोई फ्यूचर नहीं होगी। अपने ब्राइट फ्यूचर से ज्यादा उसके लिए शियासु इम्पोर्टेंट थी। लूशी शियासु को विश्वास दिलाता है अगर वो विदेश नहीं भी जाएगा तो भी वो यहाँ पे रहकर ही बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इसलिए उसके विदेश जाने के बारे में वो शियासु को सोच समझ के जवाब देने को बोलता है। शियासु के लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल हो पड़ी थी क्योंकि एक तरफ वो चाहती थी लूशी ना जाए और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लूशी की ब्राइट फ्यूचर रुक जाए। लूशी ने पहले ही शियासु की मुश्किलें बढ़ा दी थी, ऊपर से वो तो उसका हार्ट बीट भी बढ़ाने लगता है। शर्म के मारे शियासु उठ ही जाती है। वो कहती है उसे विदेश जाना है या नहीं ये सवाल वो अपने पेरेंट्स से करे, वो उससे क्यों पूछ रहा है। फिर वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहाँ होंगजो अभी भी टाओ को पाने की उम्मीद लिए बैठा था, पर टाओ को भी सच में होंगजो के पास वापस नहीं जाना था, इसलिए वो नहीं चाहती थी बेकार में वो उसे मनाने की कोशिश करे। टाओ के वापस आने का कोई उम्मीद ना देख के होंगजो उसे एक गाना सुना के गुड बाय कहना चाहता था। होंगजो कहता है वो उसके लिए रिहर्सल रूम वेट करेगा, पर टाओ कह जाती है वो कहीं नहीं जाने वाली। वहाँ लूशी कन्फर्म हो चुका था कि शियासु उसे पसंद करती थी, इसलिए वो अपने विदेश जाने का फॉर्म फाड़ देता है। शियासु को उसके ट्रैवल कंपनी से कॉल आता है। चेंगलिंग अभी जिस शहर में रह रहा था शियासु को भी वही जॉब के लिए जाने को बोला जाता है। टाओ शियासु से ये बात लूशी को बताने के लिए कहती है, पर शियासु को नहीं लगता था कि ये बात लूशी को बोलना जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं शियासु को फोन पे ना पाके लूशी उसके हॉस्टल चला आता है उसकी खबर लेने। टाओ लूशी को शियासु के जाने की खबर देती है। वहाँ होंगजो टाओ के लिए इंतजार करते करते अकेले ही गाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद टाओ सच में आती है। टाओ के आने पे होंगजो के चेहरे पे स्माइल खिल उठती है। होंगजो टाओ का फेवरेट गाना गा रहा था जिससे टाओ फ्लैशबैक में चली जाती है। एक तरफ टाओ रो रही थी, दूसरी तरफ होंगजो रो रहा था। फिर भी इनका रिश्ता यही तक का था। टाओ सच में इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। टाओ का मूड ऑफ था, ऐसे में लूशी उसे फोन करके शियासु के कलीग्स का नंबर मांगता है क्योंकि शियासु जहाँ पर गई हुई थी वहाँ पर पत्थर टूट रहे थे जिस वजह से बहुत से टूरिस्ट इंजर्ड भी हो गए थे। टाओ के पास कोई नंबर नहीं था जान के लूशी वहीं पे जाने का फैसला करता है। वैसे शियासु अपने टूरिस्ट के साथ सही सलामत एक होटल पहुँचती है जहाँ हम चेंगलिंग को भी देखते हैं। शियासु उसे देख के चौंक जाती है। दरअसल चेंगलिंग इसी होटल में जॉब करता था। उसके यहाँ पे पत्थर गिर रहे थे सुन के शियासु को उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों ने, चेंगलिंग ने बहुत बार कॉल किया था, पर शियासु देखती है उसके फोन पे थोड़ा सा भी चार्ज नहीं था। चेंगलिंग उसे अपना फोन देता है घर पे फोन करने के लिए। बाद में चेंगलिंग शियासु को डिनर करवाने ले आया था। ऐसे में एक आदमी शियासु का बैग लेके भागने लगता है। ये दोनों भी उसके पीछे भागते हैं और भागते वक्त शियासु गिर जाती है। चेंगलिंग जब उससे पूछता है उस बैग में इम्पोर्टेंट कुछ था या नहीं, तब शियासु हाँ कहती है। पर शियासु को नहीं पता था चेंगलिंग उस चोर के पीछे भागेगा। वो बहुत बार चेंगलिंग को जाने से मना करती है। बहुत वक्त हो चुके थे चेंगलिंग को जाते हुए। शियासु बहुत नर्वस फील कर रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। फाइनली चेंगलिंग शियासु का बैग लेके चला आता है। चेंगलिंग को सही सलामत वापस आते देख शियासु को तसल्ली मिलती है। शियासु को रोना आ रहा था। चेंगलिंग उसकी आंसू पोंछ देता है। अपनी पॉकेट से रुमाल बाहर निकालते वक्त उसकी चाबी की रिंग नीचे गिर जाती है। शियासु देखती है चेंगलिंग अभी तक उसका दिया हुआ चाबी का रिंग कैरी करता था। ये बात शियासु को बहुत खुशी देती है। चेंगलिंग शियासु को उसका बैग चेक करने के लिए बोलता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। शियासु सबसे पहले जिस चीज को चेक करती है वो था लूशी का दिया हुआ हेयर पिन। शियासु को भले ही इस बात की एहसास नहीं थी कि वो लूशी को कितना पसंद करती थी, पर चेंगलिंग उसे ये एहसास दिलाता है। वो कहता है चेक करते वक्त वो अपना फोन या फिर पैसे गायब हुए थे या नहीं ये ना देख के वो सबसे पहले लूशी का दिया हुआ हेयर पिन चेक की। इसका मतलब और क्या हो सकता है? शियासु को लग रहा था अब ये सब सोच के क्या फायदा, क्योंकि लूशी तो विदेश जाने वाला था। चेंगलिंग उसे समझाता है लूशी के विदेश जाने से या ना जाने से उनके रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तब शियाज़ू राजी होती है जाके ही लूशी को अपने दिल की बात बताने के लिए। पर लूशी तो शियाज़ू को बिना बताए ही विदेश जाने का फैसला ले चुका था, क्योंकि लूशी जब शियाज़ू के पास पहुंचा तब वो चेंगलिंग और शियाज़ू को उस शाबी रिंग को लेके बात करते हुए सुना था। लूशी को याद आता है एक बार शियाज़ू इस डॉल की तरफ देख रही थी तो लूशी ने उसे वो डॉल गिफ्ट की थी। लूशी को उस डॉल का मतलब आज समझ में आया था। उसे लगने लगता है वो कितना बेवकूफ था। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू ने लूशी को मैसेज भेजा था पर लूशी ने अब तक उसका रिप्लाई नहीं दिया था, तो शियाज़ू बहुत बेचैन हो रही थी। ऐसे में उसके पास एक फ़ोन आता है तो वो एक्साइटेड होकर लूशी की कॉल समझ के उठाने जाती है, पर वो देखती है उसकी मॉम ने कॉल किया था। उसकी मॉम ने उसे ये बोलने के लिए फ़ोन किया था कि लूशी विदेश जाने वाला है दोपहर को, तो वो जल्दी से आ जाए। तभी शियाज़ू को कोई पुकारता है तो वो लूशी के बारे में सुन नहीं पाती। उसने बस इतना सुना था कि उसकी मॉम उसे घर बुला रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं लूशी जब जा रहा होता है शियाज़ू तब बस से आ रही होती है। शियाज़ू लूशी का दिया हुआ वो हेयरपिन देख रही थी। अचानक से बस में झटका लगता है और उसके हाथ से वो हेयरपिन नीचे गिर जाती है। फिर उसका पैर भी जाके उसी पे पड़ती है और इतने सालों से संभाल के रखा हुआ वो हेयरपिन टूट ही जाती है। बस से उतर के शियाज़ू उस तरफ मुंह फेरी हुई थी, इसीलिए लूशी उसके पीछे से चला जाता है और शियाज़ू को पता भी नहीं चलता। फिलहाल के लिए दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। शियाज़ू जब घर वापस आती है तब उसे बताया जाता है लूशी अभी अभी विदेश के लिए रवाना हो चुका था। शियाज़ू तभी दौड़ लगाती है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, पर इतनी कोशिश के बाद भी शियाज़ू लूशी को रोक नहीं पाती। ना ही वो लूशी से कॉन्टेक्ट कर पा रही थी और ना ही लूशी उससे कॉन्टेक्ट कर रहा था। सुबह सुबह शियाज़ू लूशी के घर आती है ये जानने के लिए कि लूशी ने उसके मॉम डैड के साथ कोई कॉन्टेक्ट किया था या नहीं, उसका नया नंबर मिला या नहीं। लूशी की मॉम बताती है अभी कहा, अभी उसे सेटल होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, नंबर मिलने पर वो उसे ज़रूर बता देगी। फिलहाल तो लूशी के पापा उसे ईमेल करने का आइडिया देते हैं। आधा महीना बीत चुका था पर लूशी ने अब तक शियाज़ू को एक भी रिप्लाई नहीं दी थी। चेक करते वक्त शियाज़ू को अचानक से टाओ का एक ईमेल आता है जिसमें शियाज़ू लूशी को शिन के साथ ऐसे पिक्चर लेती हुई देखती है। अगले दिन लूशी की मॉम शियाज़ू को बुलाकर लूशी का फ़ोन नंबर देती है। शियाज़ू जल्दी से आके लूशी को फ़ोन लगाती है पर उस तरफ से शिन की आवाज़ आती है। शिन उसे बताती है वो और लूशी बहुत दिनों से डेट कर रहे थे। शियाज़ू को जब विश्वास नहीं होता है उसकी बातों पे तो शिन कहती है क्या लूशी ने कभी उसके साथ कॉन्टेक्ट की है। बात तो सही थी, इसीलिए शियाज़ू फ़ोन रख देती है। इस गम में शियाज़ू ड्रिंक कर रही थी। उसे लग रहा था उसके साथ जो भी हो रहा है वो सही है, वो ऐसा ही डिजर्व करती है, क्योंकि जब लूशी उसके आसपास था उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश की तब उसने एक बार भी लूशी के फीलिंग्स की कदर नहीं की, उसे बार बार नीचा दिखा दी गई। इसलिए वो लूशी और शेन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है, वो उनके बीच नहीं आना चाहती थी। पर ये बात उसे एक्सेप्ट करने में कितना दर्द हो रहा होगा ये तो तुम लोग समझ ही सकते हो। देखते ही देखते बहुत साल बीत चुके होते हैं। टाओ शादी करने वाली थी इसलिए शादी से पहले उसने एक बैचलर पार्टी रखी थी, उसी के लिए वो शियाज़ू को इनवाइट करने आई थी। पर शियाज़ू के साथ साथ हमें भी नहीं पता था कि टाओ किसके साथ शादी करने वाली थी। शियाज़ू अभी बहुत बड़े ट्रैवल कंपनी में जॉब करती थी और उसके बॉस भी उसके काम से बहुत खुश थे। वहाँ चेंगलिंग भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू की मॉम ने चेंगलिंग को डिनर पे इनवाइट किया था। शियाज़ू की मॉम चेंगलिंग की बहुत केयर करने लगती है, इवन वो तो शियाज़ू को भी चेंगलिंग के ख्याल रखने के लिए बोलती है। शियाज़ू के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपने बेटे से अपनी पत्नी के इस अजीब बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। शियाज़ू का भाई कहता है क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मॉम अपने होने वाले दामाद की खातिरदारी कर रही है। तब शियाज़ू के पापा भी एक ससुर के जैसे बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि वो चेंगलिंग से पूछते हैं कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है। शियाज़ू की मॉम अपने पति को इस तरह के सवाल करने से मना करती है और फिर खुद ही इस तरह की बात करने लगती है चेंगलिंग के साथ। शियाज़ू को उनका इरादा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसीलिए वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। खाने के बाद वो शियाज़ू को चेंगलिंग के साथ वॉक पे जाने के लिए बोलती है। शियाज़ू भी चेंगलिंग को गाड़ी तक छोड़ने आती है, फिर गाड़ी में बैठ के दोनों बात करने लगते हैं। चेंगलिंग शियाज़ू को बताता है लूशी ट्रांसफर्ड होके फिर से इसी शहर आ रहा है। वो उससे पूछता है क्या वो अभी भी लूशी को पसंद करती है। शियाज़ू कहती है ये सब बातें पॉइंटलेस है, अगर लूशी शिन के साथ नहीं भी होगी तो भी वो शायद उसके लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो शायद किसी और लड़के के साथ शादी का प्लान बना
आ रहा होगा, नहीं तो वो उसके साथ कॉन्टेक्ट क्यों नहीं रखता। फिर मजाक करते हुए चिंगलिंग उससे पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे अभी भी पसंद करती है और अपने पेरेंट्स के सामने ऐसा कुछ साइन दिखाया होगा जिस वजह से वो लोग उसके साथ उसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। शियाज़ो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, वो बहुत पहले ही उस पे से मूव ऑन कर चुकी है। अगले दिन शियाज़ो को उसके बॉस बुलाते हैं एक टूरिस्ट को गाइड करने के लिए, और वो टूरिस्ट और कोई नहीं था बल्कि लूशी था। शियाज़ो जब उसके निक नाम से पुकारती है तब उसके बॉस कहते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से? लूशी कहता है, उतने अच्छे से भी नहीं। लूशी का बॉस भी लूशी को उस नाम से पुकारते हैं जिस नाम से शियाज़ो ने पहली बार स्कूल में एंट्री लिया था, और नाम प्रेजेंट करते वक्त लूशी को उसी नाम से पुकारा था। ये बात याद आने पे दोनों ही मुस्कुराते हैं।